हेलो, कैसे हो? देखिए आप लोग मेरे घर के क्या बनाए हैं सब। ये किस स्टाइल में की बनी है मुझको नहीं पता है। देखें और बताएं आप लोग कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ। इस कमरे में फैन चल रहा है, मैं बंद करने आई हूँ, बंद कर लूँ फिर आप लोगों से बातें करती हूँ, कुछ दिखाती हूँ। आज मेरे घर बाइक आई है, न्यू बाइक तो एकदम नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छे कंडीशन में, बहुत ही अच्छे पैसे में मिल गई है। मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अच्छी लग रही है कि नहीं। मुझको तो अच्छी लग रही है, पर आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। थी बाइक लेकिन बहुत ही पुरानी थी, उसको मतलब कभी कभी जाते जाते ना कहीं रास्ते में रुक जाती थी, जब रुक जाती थी तो दिक्कत होती थी। तो ये आई है, अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। है तो सेकेंड हैंड ही है लेकिन पुरानी तो 4 साल है, लेकिन 3 साल पुरानी है और चली बहुत कम है। मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छा कंडीशन में बाइक है, एकदम न्यू लग रही है लेकिन है तो पुरानी है। देखें, मेरे पास से दिखा रहे हैं तो आपको बिना हेलमेट का गाड़ी नहीं निकली, सोच लियो कहीं भी जाए करे सरेनी में जाए करे। तो छोटू के लिए आई है बाइक। छोटू बाइक के लिए काफी परेशान था, बाइक आ गई है। कहीं जाने होने में मतलब मुझे कुछ मुझको ही ज़्यादा जाना आना होता है तो बहुत दिक्कत होती है, तो परेशान था। बाइक लाओ बाइक लाओ, तो मेरे पास तो व्यवस्था नहीं थी कि मैं बाइक लाऊं, लेकिन उसके बाबा ने कहीं से इंतज़ाम किया और ले किया है। अब कहाँ से क्या व्यवस्था की है मुझको तो नहीं पता है, पर व्यवस्था हुई है और लेके आए लोग। 2 महीने से ढूंढ रहे थे, 3 महीने, 2 महीने के 6 महीने से ही ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही ढूंढ रहे थे, जिस कंडीशन में मतलब ढूंढ रहे थे वो उसी कंडीशन में मिली है। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे ज़रूर कि मेरे घर की बाइक कैसी है। जो मेरे खुशी में शामिल होंगे वही अपने हैं। कितने लोगों को तो बहुत ही बुरा लगेगा कि अरे सारा काम होते चला जा रहा है, क्या करोगे, सब जगह मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब होगी। नहीं नहीं पुरानी ही सही, मुझको इतने में ही संतोष है। कुछ लोगों को बहुत ही दिक्कत होगी मुझको पता है, पर भगवान कुछ न कुछ तो व्यवस्था करता है, तो वही व्यवस्था है मेरे लिए। जो भी है जैसे चल रहा है, जिसको ना अच्छा लगे वो भी बताएं कि मुझको नहीं अच्छा लगा, और जिसको अच्छा लगे वो भी बताएं। हिम्मत है तो कमेंट करो आप लोग कि नहीं अच्छा लगा, और जिसको अच्छा लगे वो तो शामिल होंगे ही, मुझको पता है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, ख़ास करके जो बाहर से देख रहे हैं जैसे नेपाल, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब, बांग्लादेश, सब जगह से मुझको लोग देखते हैं। यूट्यूब पे बताता है ना कि कहाँ से कौन आपको मतलब कितने लोग आपको कहाँ से देख रहे हैं, कितने परसेंट। तो यूपी में भी बहुत लोग अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है जितने मैं मतलब जुड़ी हूँ उतने लोग अच्छे हैं, एक दो तो मिल ही जाते हैं। तो वैसे ही हैं एकदम कि अपना सही आईडी नहीं बनाते हैं, सही पता नहीं देते हैं, बस कमेंट पे कमेंट मारते जाते हैं, घटिया कमेंट भी करने लगते हैं तो फिर समझाना पड़ता है। समझाने पे समझ जाते हैं
समझ जाते हैं कि समझा रही है, इसको समझना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो अपना प्यार और दुलार इसी तरीके से बनाए रखें, मेरा खुल के सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को वायरल करें ताकि मुझे फुल सपोर्ट मिल सके। कुछ सब्सक्राइबर है मुझको डिस्टर्ब करने के लिए ना, सब्सक्राइब करके और फिर उसको अनसब्सक्राइब कर देते, तो ऐसे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं कितने यूट्यूबर हैं, 5-5, 6-6 साल से लगे हैं, तो इसमें मुझको कोई अलग से नहीं वो निकालना पड़ता है, टाइम नहीं निकालना पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। जाना भी पड़ेगा तो जाएंगे, क्यों जाएंगे नहीं। अब तो बाइक आ गई है, आप लोग कहते थे बाहर का दिखाओ, कुछ अच्छा सा दिखाओ, अब बाइक आई है, अब मैं आप लोगों को घूम घूम के दिखाऊंगी, अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी। बिना मतलब साधन के निकलना, घर का काम करके जाओ, सवारी से जाओ आओ, नहीं अच्छा लगता था ना। अब जाना आना बना रहेगा, कभी ना कभी तो निकलना था, मैंने आपसे कहा था ना मौका मिलेगा तो निकलूँगी, तो मौका अब मिलेगा मुझको। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, और वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो वीडियो ज़रूर देखें, और देखते देखते शेयर भी कर दें 2-4 जगह। यही आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। तो मिलते हैं आप लोगों को कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, बाय।